में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह किचन में नाश्ते की तैयारी चल रही है। मैं बनाने लगी हूँ तड़के वाली दही और साथ में एक बहुत ही हेल्दी वाला चीला की रेसिपी शेयर करूँगी। दही में मैंने नमक और ग्रेटेड गार्लिक ऐड किए हैं, करी पत्ता, जीरा और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल के तड़का को ऐड किया है और बस तड़के वाली दही तैयार है। दही और लहसुन का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन जाता है फ्रेंड्स। तो जो लोग लहसुन खाना पसंद करते हैं, अब तड़के वाली दही में लहसुन ज़रूर ऐड करना। यहाँ पर चना दाल, मसूर दाल और दलिया को 4 सूखी लाल मिर्च के साथ सोक कर लिया था। लहसुन के साथ मैं पेस्ट बना लिया है और एक हरी चटनी भी बना रही हूँ। टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल और नमक का। हम जब भी चटनी बनाते हैं ना, हरी वाला, टमाटर वाला, आमले की, तो सरसों का तेल ज़रूर ऐड करते हैं फ्रेंड्स। आप सभी चटनी में सरसों का तेल ऐड करके देखना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर जो मैंने दलिया और दाल का मिक्स पेस्ट बनाया था उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस नमक ऐड करके इसका चीला बना लेना है। बहुत ही हेल्दी चीला की रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करना। और हाँ, मैंने आज चना और मसूर दाल ऐड किए थे। आप चाहो तो थोड़ा मूंग की दाल ऐड कर सकते हो, छिलके वाली मूंग की दाल ऐड कर सकते हो, लेकिन दलिया के साथ चीला बना के देखना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और हेल्दी तो है ही, दलिया हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो ट्राई करना इस चीला को। और ये थी थाली ब्रेकफास्ट की। और मैंने टमाटर का एक बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा जूस भी बनाया था आज, तो उसका भी रेसिपी फटाफट से शेयर कर देती हूँ। टमाटर को चीनी के साथ पीस लेना है, प्यूरी बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से छान लेना है और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं जब भी बनाना हो। फिर आगे आप सबसे मैं स्टेप शेयर करती हूँ। तो इसको छान लिया है मैंने, अब जाएगा इसमें नींबू का जूस। नींबू का जूस मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ मोस्टली, और जब यूज करना होता है मैं यूज करती हूँ। तो अभी आप सबसे झटपट से इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा अनहेल्दी है क्योंकि मैंने इसमें आइसक्रीम यूज किए हैं। आप विदाउट आइसक्रीम ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन आइसक्रीम के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए, थोड़ा सा हम टमाटर का जूस लेंगे, एक स्कूप आइसक्रीम ऐड करेंगे और बस इसको चर्न कर लेना है। बहुत ही यम्मी सा शेक तैयार होता है। तो थोड़ा सा तो अनहेल्दी है, तो मैंने और दिनेश जी नहीं लिए थे, बच्चों के लिए मैंने बनाया था क्योंकि बच्चों को हमारे घर में टमाटो शेक जो है ना बहुत पसंद है। तो एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और ये रहा मेरा मानू, तैयार हो चुका है। हाय मानू। हाय हाय। हेलो हेलो। नींद से उठाया है अभी। ये सो रहा था तो इसको नींद से उठाया है, क्योंकि थोड़ी बहुत, जैसा कि दिवाली नजदीक आ रहा है फ्रेंड्स, शॉपिंग करने जाना है, पर्दा चेंज करना है, पर्दा लेना है, सोफा कवर लेना है। तो बस चलते हैं आगे, आपसे शेयर करते हैं, जो जो करेंगे शेयर करेंगे। कहीं भी हम बाहर निकले तो मॉल जाना तो मस्ट है, तो लास्ट में मॉल में चाय पीते हुए ही घर आएंगे, है ना मानस? घोड़ा से मिलेंगे, मानस का फ्रेंड से मिल जाएंगे। और रोना नहीं, कोई नींद से उठाए तो क्या हो गया? रोना तो नहीं, हाय कर दो। सुबह तुम चप्पल लेके आए थे हमारे पास, जल्दी हाय कर दो, नहीं तो गुड स्माइल दो। चलो स्माइली स्माइली दो, कोई बात नहीं। अच्छा चलो बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। चलते हैं। हाँ, सामग्री ये रही। और सासुदी कैसी रही? सासुदी बाद में दिखाई। और फ्रेंड्स ऑलरेडी इसका शॉर्ट्स तो देख ही चुके होंगे। ये है पर्दा का शॉप, और मैंने कौन सा पर्दा लिया था ये भी पता चल चुका होगा क्योंकि काफ़ी सारे रील्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ब्लॉग तो काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि ब्लॉग को एडिट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए फ्रेंड्स, मेरे पास नहीं होता है। तो तैयारी का ब्लॉग जा रहा है अभी, मैंने जो दिवाली की तैयारी की थी काफ़ी लेट जा रहा है ब्लॉग। तो प्लीज़ आप सब इसको प्यार देना। और थोड़ी देर के लिए मॉल आ गए थे, घर आके मैंने फ़िश करी बनाया था। फ़िश करी मैंने बहुत ही स्पेशल वाली सोया साग के साथ बनाया था। बहुत पहले मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड किया हुआ है ये रेसिपी, लेकिन बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर बने हैं, तो एक बार इस फिश करी को ट्राई करना। सोया साग का सीज़न है, अभी विंटर का सीज़न है, सोया साग और मूली मार्केट में अवेलेबल है, तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत मज़े का बनता है। इधर मैं फिश फ्राई करने लगी हूँ, और इधर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं खमहाउर, यैम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं, नमक हल्दी के साथ मैरिनेट कर लिया था, थोड़ा सा हींग के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिए थे। इसको
अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिश को भी मैंने नमक हल्दी और सरसों के तेल के साथ मैरिनेट किया था, तो फिश को भी फ्राई करके निकाल देना है। चावल भी चढ़ा दिया है क्योंकि दिन भर हमने कुछ नहीं खाया था। सुबह सुबह जो हमने चीला नाश्ता किया था ना, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। चीला थोड़ा सा ना फीलिंग होता है दरिया का, तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगता है। तो मैंने जो आज चीला की रेसिपी आप सबसे शेयर की है, वो ज़रूर ट्राई करना जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत बहुत देर तक भूख नहीं लगता है। तो यहाँ पर आज बन रही है फिश करी, खमहरुआ, यम का पकौड़ा और राइस। तो जब तक फिश फ्राई हो रहा है, मानस के लिए मैं दाल भी बना लूँगी। मानस जो है ना, वो दाल चावल बहुत प्यार से खाता है, नॉनवेज अभी इतना नहीं खा पाता है। तो मोस्टली मैं नॉनवेज के साथ दाल बना लेती हूँ, फिश फ्राई खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो दाल चावल अच्छे से खाता है। तो इधर मैं मानस के लिए दाल बनाने लगी थी और खूब सारे वेजिटेबल्स के साथ बना रही थी, क्योंकि हम लोगों को भी ये वाला दाल पसंद है, तो हम लोग भी थोड़ा सा ले लेंगे दाल चावल के साथ, सॉरी फिश करी के साथ। और कभी कभार ये दाल बच जाता है ना, तो इसको मैश करके मैं इसके साथ पराठा भी बना लेती हूँ। तो आज रात को तो हमने दाल नहीं खाए थे, ज़्यादा बना लिया था। मैं दाल, ये सब्जी वाली जो दाल है, मैंने दाल में सब कुछ ऐड किए थे। ये देखिए, आप देख रहे हैं, बैंगन, गोभी, गाजर, दो तरह के साग, बथुआ और सोया, टमाटर, खूब सारा लहसुन, ये सारा चीज़ ऐड करके नमक हल्दी के साथ बॉईल कर दिया था। थोड़ा सा मैश करके घी के साथ और चावल के साथ मैं इनको खिलाऊंगी, तो वो वेजिटेबल्स भी सारा खा लेता है इसी बहाने। और ज़्यादा जो बच जाएगा ना, उसको मैश करके कल सुबह मैं पराठा बनाऊंगी इसका। तो इन सारे वेजिटेबल्स के साथ आप दाल बना के देखना, रोटी के साथ, चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है। और कभी कभार बना के मैश करके रख लेना और इसके साथ पराठा बनाना, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर खमरुआ को फ्राई करने के बाद बैंगन को भी मैं फ्राई करने लगी थी। बैंगन में भी मैंने थोड़ा सा खसखस, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी ऐड करके मैरिनेट कर लिया था। और खूब सारा सब्जी आज मैंने बनाया था, क्योंकि सब अभी हॉस्टल में सारा सब्जी नहीं खा पाती है, तो यहाँ आती है तो मैं बहुत बहुत सब्जी बना के थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती हूँ जो वहाँ नहीं खा पाती है। तो मैंने छठेल ककोड़ा बोलते हैं ना, उसको भी फ्राई किए थे। यहाँ पर तेल में मैंने बड़ी इलायची, लौंग, मेथी का तड़का ऐड करके सोया साग ऐड कर दिया था बारीक कटा हुआ। और सोया साग को भून लेने के बाद मूली और टमाटर ऐड करके नमक हल्दी के साथ मूली को भी पका लेना है। और बस फिर मैंने एक पेस्ट बनाए थे, सरसों, जीरा, ये अदरक, लौंग खूब सारा और सूखी मिर्च का। बस इसमें प्याज लहसुन नहीं जाता है इस वाली फिश करी में। और पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड किए थे। और बस अच्छी तरह से इसको भून लेना है मसाला के तेल छोड़ने तक। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, तेल छोड़ देगा, तो ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी में उबाल आने देना है, फिर फिश ऐड करना है। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी पकाना था खाना, क्योंकि लेट नाइट, एक तो इतना हैवी खाना और वो भी रात को, मोस्टली रात को हैवी हम लोग नहीं खाते, आप सबको पता है। तो सोचा था जो 7:30 तक खा लें, तो मैंने फटाफट से फिश साथ में ही ऐड किए थे और थोड़े से आलू फ्राई करके भी ऐड किए थे, बड़े बड़े साइज के। और बस इसको पका लिया था, लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स। और इसका भी थाली का सोर्स आप सब देख चुके होंगे। तो आप सब फ्रेंड्स, सोया साग वाली फिश करी को जरूर ट्राई करना। और आज का थाली खा के तो मज़ा आ गया, बिल्कुल बिहारी स्टाइल बनाया था मैंने खूब सारी सब्जियों के साथ। हमारे यहाँ नॉनवेज के साथ भी खूब सारी सब्जियाँ खाई जाती है। और ब्लॉग को एंड कर देते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय। Even if you try, you wouldn't understand.